जय हिंद दोस्तों, मैं धीरज प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रश्नावली 3 का M। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा मैथ का कोर्स कराया जा रहा है। तो कहीं आप इधर उधर भटके मत, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और घर बैठे फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं क्लास 11 के मैथ की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 3 के एम में क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ दोस्तों, यदि आपने इसके पहले के अभी जो चैप्टर पढ़ाए गए हैं या पहली बार चैनल पे आए हो, नहीं देखे हो, तो चैनल के प्ले लिस्ट को ओपन करिए, क्लास 11th मैथ वहां पे लिखा गया, उसको ओपन करिए, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी शुरू से लेकर यहां तक की। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले बोल रखा है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर माइनस टू कॉस ए साइन बी साइन सी। तो दोस्तों, इसको किस तरीके से प्रूव्ड किया जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। अभी तक आपने पढ़ा था प्रश्नावली 3 के एल में, जैसे आपने उसमें कुछ रूल लगाए थे, कुछ फार्मूले लगाए थे, उसी तरीके से इसमें भी वही रूल वही फार्मूले लगेंगे इस एक्सरसाइज में भी। ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो क्या होगा आइए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि सिद्ध करने की बात की गई है। जब भी क्वेश्चन में सिद्ध करने की बात की जाएगी तो हम बाएं पक्ष को पकड़ेंगे, बाएं पक्ष को पकड़ के दाएं पक्ष की तरफ चलेंगे। अब कैसे चला जाएगा ध्यान दीजिए, चलिए चलते हैं पहले। अब देखिए यहां पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बाएं पक्ष में दे रखा है, तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें, कुछ आपका दिमाग चल रहा है? चल रहा होगा जी हाँ, जहां तक मैं सोच रहा हूं आपका भी दिमाग वहां तक चल रहा होगा। सबसे पहले आप देखिए कि साइन स्क्वायर क्या दिया, ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, क्या दिया है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर फार्मूला होता है, आपको याद भी होगा, क्या होता है, साइन ए ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। याद होगा आपको कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आपको अच्छे तरीके से याद होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है आप पढ़ते चले आ रहे हो शुरू से ही ये सब फार्मूलों को। तो चलिए दोस्तों, और ये भी मैंने बता दिया कि जो त्रिकोण मिति है वह फार्मूले पर ही आधारित है। यदि आपका फार्मूला तैयार है तो त्रिकोण मिति आपके लिए हवा है, समझ लीजिए, चुटकियों में आप तुरंत सॉल्व करना सीख जाओगे, कौन सा कंसेप्ट कहां पर प्रयोग किया जाएगा कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, यदि आप फार्मूले को सिर्फ तैयार रखते हैं तो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है वो फार्मूले से ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तक हमारा फार्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, साइन ए प्लस बी। तो हम यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से साइन क्या ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, फिर इनटू क्या लिखोगे साइन ए माइनस बी, तो यहां पे लिख दो साइन ए माइनस बी। अब बच रहा है लास्ट में क्या, साइन स्क्वायर सी, तो हम यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर सी। क्लियर होगा यहां तक, चलिए समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। अब देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब आप मुझसे पूछो कि सर ये जो ये क्यों दिया गया है, ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई क्यों दिया है, तो अब इसका काम आ गया है, किस लिए दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वहां पे देखिए क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। अब यहां पर है a प्लस बी, तो हम a प्लस बी बराबर निकालेंगे तो c को पंचांतर करेंगे, अर्थात a प्लस बी बराबर पाई माइनस क्या निकल जाएगा c, c का पंचांतर करेंगे तो बाईं तरफ c प्लस में है, दाहिनी तरफ चला जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी हो जाएगा, अर्थात हम यहां पर लिखेंगे साइन ए प्लस बी की जगह पर पाई माइनस सी, फिर इंटू साइन ए माइनस बी को तो चेंज हम कर नहीं सकते क्योंकि यहां पे जो मान दिया गया वो प्लस में दिया गया, अर्थात ये माइनस में, तो इसमें नो चेंजिंग, फिर माइनस क्या है साइन स्क्वायर सी, तो आप साइन स्क्वायर सी लिख दीजिए। अब क्या करोगे ध्यान दो, अगर हम देखें तो साइन क्या बना पाई, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, साइन पाई, पाई को हम लिखते हैं 180 अंश, और माइनस क्या है सी, अगर हम सी की जगह पर क्या कर दें थीटा कर दें, तो साइन 180 अंश माइनस क्या बन जाएगा
थीटा और साइन 180 अंश माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं, अर्थात थीटा की जगह पर सी है तो सी और सी है तो सी और यहाँ पे पाई है, अर्थात साइन पाई माइनस सी बराबर क्या होगा साइन सी। पाई को हम 180 अंश बोलते हैं, अर्थात साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पर सी है तो आप सी कर दीजिए, फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू लगाकर आप लिखोगे साइन ए माइनस बी फिर माइनस साइन स्क्वायर सी। अब साइन सी यहां से कॉमन दिख रहा है तो कर लीजिए साइन सी को कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका साइन ए माइनस बी फिर माइनस यहां पर बच जाएगा साइन सी। अभी हमें लाना है माइनस टू कॉस ए साइन बी साइन सी, तो यहां पे साइन सी तो हमारा आ गया है, बच रहा है माइनस टू कॉस ए साइन सी। अब ये टू कैसे आएगा, बात बचती है कि टू कैसे आएगा, तो टू कब आता है जब हम साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी, अगर ये सी प्लस डी वाले फार्मूले का हम यूज करते हैं तो उसके पहले टू आता है, तो अर्थात हमें कॉस सी प्लस कॉस डी के फार्मूले को यूज करना होगा या तो साइन सी या प्लस साइन डी के, देखेंगे आगे कैसा बनता है उस तरीके से हम फार्मूले को यूज करेंगे, लेकिन सी प्लस डी या सी माइनस डी वाला फार्मूला यहां पे बनेगा तभी शुरू में टू आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो बनाने के लिए सी को पहले हटाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे ए माइनस बी है तो हमें ए प्लस बी आगे प्राप्त करना होगा तभी सॉल्व हो पाएगा। तो ए प्लस बी प्राप्त करने के लिए हम चलिए निकालते हैं सी का मान। जैसे देखा जाए यहां पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है, अगर हम सी बराबर निकालें तो ए प्लस बी को उस तरफ पंचांतर करेंगे, अर्थात सी बराबर निकालेंगे तो उस तरफ पाई है, पाई को रखेंगे फिर माइनस ए प्लस बी को पंचांतर करेंगे तो ए प्लस बी आएगा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ए प्लस बी दोनों प्लस में होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे सी बराबर निकल गया पाई माइनस ए प्लस बी, अर्थात हम यहां पे लिखेंगे साइन सी बराबर यहां पे क्या होगा साइन ए माइनस बी और फिर माइनस है साइन सी, तो सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस, ध्यान दीजिएगा पाई माइनस ए प्लस बी और ब्रैकेट को यहां पे कर दीजिएगा आप बंद। चलिए आगे लिखते हैं, अब यहां पे साइन सी ब्रैकेट के अंदर देखा जाए तो यहां पे क्या बन गया दोस्तों साइन ए माइनस बी और हम यहां पर लिख सकते हैं साइन 180 अंश माइनस थीटा, क्योंकि पाई है पाई को हम 180 अंश बोलते हैं तो 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है ए प्लस बी तो ए प्लस बी आप यहां पर लिख दीजिए। ऐसा काम करते हैं हमें प्रूव्ड करना है माइनस, तो यहां से हम माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस सबसे पहले बाहर आ जाएगा साइन के पहले आ जाएगा, अब ब्रैकेट में आप देखिए ये माइनस में था ना अब इसे प्लस में हो जाएगा, अर्थात माइनस कॉमन करने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिखेंगे ए प्लस बी, अब ये प्लस में था ये किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। जब भी दोस्तों माइनस कॉमन किया जाता है ब्रैकेट के अंदर से तो इतना ध्यान दीजिएगा चिन्ह बदल जाते हैं, अर्थात जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया ना, चलिए आगे देख लेते हैं। अब करना क्या है, करना ये है आपको यहां पे आपको दिख रहा है माइनस साइन सी, तो माइनस साइन सी को ज्यों कहते हैं और रखो आप। अब यहां पे देखेंगे साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का हम आपको फार्मूला याद दिलाते हैं, देखिए फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी बराबर होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला होता है किसका साइन सी माइनस साइन डी का। तो यहां पर देखेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी के रूप में ये बन रहा है, तो चलिए माइनस साइन सी, अब ये साइन सी साइन सी माइनस साइन डी ये आपका क्या हो गया सी और ये क्या हो गया आपका डी, ठीक है। तो किसमें चेंज हो रहा है 2 cos c प्लस डी, तो c की जगह पर a प्लस बी प्लस डी की जगह पर a माइनस बी बाई टू, ठीक है। फिर इंटू क्या है साइन c माइनस डी, तो c की जगह पर a प्लस बी फिर माइनस लगेगा, इसी माइनस का बंदर गुड़ा होगा तो माइनस है और यहां माइनस पहले से था तो क्या हो जाएगा प्लस बी और बाई में 2 ब्रैकेट करिए क्या बंद। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस साइन सी बाहर ऐसे ही रहेगा, अगर हम यहां पे देखें तो बी से बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस भी प्लस भी है और जब भी समान अंक समान क्या रहते हैं पद रहते हैं और चिन्ह अलग अलग होता है तो वहां पे क्या कटते हैं कट जाते हैं, ठीक है, क्या होता है कट जाते हैं। तो ए ए क्या हो जाएगा 2a क्योंकि दोनों प्लस में नीचे 2 है, ठीक है। फिर इनटू क्या है यहाँ पे साइन, अब देखा जाए तो यहाँ पे ए से ए कट जाएगा बी बी प्लस में है तो क्या हो जाएगा
टू बी और बाई कितना टू, ब्रैकेट को कर दीजिए यहां पे क्या दोस्तों बंद। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अभी परेशान मत होइए, पहले आप समझिए, समझने के बाद वीडियो को स्टॉप कर दिया करिए, स्टॉप करने के बाद क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास किया करिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर क्या है माइनस साइन सी, बाहर जो दिख रहा है माइनस साइन सी, अब हमें ब्रैकेट को हटाना है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर बचेगा माइनस साइन सी, ब्रैकेट के अंदर बच रहा है टू कॉस ए साइन बी, तो आप यहां पे लिखिए टू कॉस ए साइन बी, ठीक है, टू कॉस ए साइन बी, ये ब्रैकेट के अंदर बच रहा है, लेकिन हमें प्रूव करना है पहले टू माइनस टू, तो अब गुणा करेंगे इसका, तो टू इधर निकलेगा माइनस टू, पहले अब कॉस ए, तो कॉस ए लिखिए, फिर क्या है साइन बी, तो आप साइन बी लिखिए, और साइन सी लास्ट में है जिसमें प्रूव करना है, तो साइन सी को आप लास्ट में लिखिए। देखिए प्रूव्ड आपका आसानी से हो गया, माइनस टू कॉस ए साइन बी साइन सी, तो यही प्रूव्ड करना था, आप आगे लिख दीजिए क्या दोस्तों प्रूव्ड लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया है, अर्थात हम यहां पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो बायां पक्ष बराबर जब दायां पक्ष आ गया है तो आप यहां पे लिख दीजिए क्या प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, आप ले लीजिए इसका स्क्रीन शॉट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आप इसे अपने नोटबुक में लिख भी रहे हो, आप नोटबुक बना रहे हो या नहीं बना रहे हो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। आप कहां से हो यानी किस डिस्ट्रिक्ट से हो ये लिखकर बताइएगा, आपका नाम क्या है और आपने नोटबुक बनाया है या नहीं, एस या नो में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टू। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखिए मैं एकदम सिंपल सा तरीका आपको बताने वाला हूं, इतना सरल तरीका बताऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं, ऐसा सवाल आपके सामने अगर कभी भी आ जाएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, बोला इसमें यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, तो सिद्ध कीजिए कि टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू बराबर वन। अब देखिए यहां पर जो मान दिया है, सबसे पहले हम यहां पे हल करेंगे उसके बाद देखते हैं प्रूव्ड होता है नहीं होता है, होगा क्यों नहीं, पहले आप ध्यान दीजिए जो दिया उसको आप लिख लीजिए, जो मेरे दिमाग में तरीका चल रहा है उस तरीके से मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, हो सकता है बहुत सिंपल हो जाए। अब करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दिया 180 अंश, ऐसा काम करते हैं हम c को कर देते हैं पंचांतर, तो a प्लस बी बराबर क्या निकलेगा 180 अंश माइनस क्या निकलेगा c, लेकिन हमें a बाई टू बी बाई टू बी बाई टू सी बाई टू सी बाई टू ए बाई टू अर्थात a बाई टू बी बाई टू सी बाई टू के रूप में इसको चेंज करना है, तो ऐसा कर काम करिए दोनों पक्षों में क्या करिए दो से भाग कर दीजिए, ठीक है, दोनों पक्ष सभी पक्षों में क्या करेंगे दो से भाग करेंगे, दो से भाग करने का मतलब हम दाई यहां पर भाई कह सकते हैं बाई तरफ भी और दाई तरफ भी दोनों पक्षों में दो से भाग करेंगे, चाहे दो से दो आप कैंसिल भी यहां पर कर सकते हो, ठीक है। अब इसको अलग अलग लिख दो, अर्थात ए बाई टू प्लस बी बाई टू बराबर अब 180 अंश के बटे में हम क्या लिख सकते हैं दो माइनस सी बटे दो, दो से काट दीजिए 180 अंश को, तो ए बाई टू प्लस बी बाई टू बराबर कितना आ जाएगा 90 अंश, दो से काटेंगे 180 अंश को तो कितना हो जाएगा 90 अंश। अब ऐसा काम करिए कि हमें प्रूव्ड करना है टेन, किस रूप में लाना है टेन के रूप में लाना है, तो टेन के रूप में लाने के लिए हम आसान से तरीके से कैसे ला सकते हैं, ध्यान दीजिए ऐसा काम करिए यहां पर लिख दीजिए दोनों पक्षों में टेन से गुणा करने पर या टेन लेने पर, लिखो दोनों पक्षों में टेन लेने पर, ठीक है टेन लेने पर, चलिए हम टेन ले लेते हैं दोनों पक्षों में, तो अर्थात बाएं पक्ष में क्या है a बाई टू, तो टेन क्या हो जाएगा a बाई टू प्लस b बाई टू, इधर हमने टेन ले लिया और दाहिने तरफ भी आप टेन ले लो क्योंकि टेन से टेन कटेगा तो फिर सेम वही बचेगा, ठीक है, तो 90 अंश माइनस सी बाई टू। यहां तक आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया अच्छे से, चले समझ में आ गया, तब क्या करते हैं देखिए ये tan a प्लस बी का फार्मूला बन जाएगा, चलिए याद दिला देता हूं मैं आपको tan a प्लस
बी का फार्मूला होता क्या है। तो टेन ए प्लस बी बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। एकदम सिंपल से तरीके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, चाहता तो यहां पर हम अलग अलग तोड़ के सॉल्व करते और एक लास्ट में आता बहुत लंबा होता, इसलिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक अपनाया यहां पे। अगर उस रूल से हम सॉल्व करेंगे तो काफी सिंपल हो जाएगा। अब देखिए टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू, अर्थात टेन ए प्लस बी का फार्मूला होता है टेन ए, अर्थात हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पर टेन ए, ए की जगह पर ए बाई टू प्लस फिर क्या होता है टेन बी, बी की जगह जब बी था तो बी लिखा गया लेकिन यहाँ बी बाई टू है तो बी बाई क्या लिखेंगे टू। अब पूरे के बटे वन माइनस क्या होता है टेन ए, ए की जगह पर ए बाई टू इंटू टेन बी, बी की जगह पर बी बाई टू बराबर में अब देखेंगे टेन नब्बे अंश माइनस थीटा, तो टेन नब्बे अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है सी बाई टू, तो आप सी बाई टू ही लिखो। समझ में आना टेन का कॉट कैसे चेंज हुआ, टेन को कॉट में मैंने कैसे चेंज किया, क्योंकि टेन नब्बे अंश माइनस थीटा बराबर टेन और कॉट थीटा। तो अब ध्यान दीजिए इधर क्या दिख रहा है आपको, टेन ए बाई टू प्लस टेन बी बाई टू और पूरे के बटे वन माइनस टेन ए बाई टू और फिर इंटू टेन बी बाई टू, यहां तक आपको समझ में आ रहा ना, चले रहने दीजिए ज्यों का त्यों मैंने यहां पर उतार दिया है। अब आप इसको करिए कॉट सी बाई टू है, जैसे आपको एक फार्मूला याद होगा कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर एक बटे क्या होता है टैन थीटा, व्युत्क्रम का अनुपात मैंने आपको बताया था, त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम के अनुपातों को मैंने आपको पहले भी लिखा दिया है, तो वो क्या होता है कॉट थीटा बराबर टैन थीटा, क्योंकि हमें कॉट कहीं भी प्रूव्ड नहीं करना है, हमें जो मान दिया है हमारा अनुपात दिया गया है वो टैन के रूप में है, अर्थात हम कॉट को किसमें चेंज करेंगे टैन में, तो कॉट थीटा बराबर वन अपान टैन थीटा, तो जहां पे कॉट है उसकी जगह पर लिख सकते हैं वन अपान टैन थीटा, थीटा की जगह पर सी बाई टू है तो आप सी बाई टू लिख दीजिए। चलिए यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि मैंने क्या किया कैसे किया, आगे अब क्या करना है कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, बराबर दिख रहा है बराबर का बीच में किसका चिन्ह है बराबर का, अर्थात हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो टेन सी बाई टू का हम पहले क्या करेंगे टेन ए बाई टू में, तो टेन सी बाई टू का हम टेन ए बाई टू में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू। ठीक है, टेन सी बाई टू का मैंने टेन ए बाई टू में गुणा किया तो टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू आ गया, फिर प्लस है तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे प्लस, अब टेन सी बाई टू का हम टेन बी बाई टू में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेन बी बाई टू इंटू सी टेन सी बाई टू, आप आगे पीछे लिख सकते हो। ठीक है, जैसा आपका इच्छा हो उस तरीके से आप लिखिए, गुणा तो गुणा होता है। अब क्या करेंगे वन का हम वन में गुणा करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह, वन का गुणा वन में होगा तो वन ही रहेगा, फिर अब क्या होगा दोस्तों माइनस वन, इसका पूरा गुणा वन में होगा तो वही आएगा जो है। ठीक है, तो क्या होगा टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू, ज्यों का त्यों आ जाएगा, क्योंकि इन पूरे का गुणा हम एक में करेंगे तो एक में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब हम देखते हैं हमें प्रूव्ड क्या करना है, सबसे पहले हमें प्रूव्ड करना है टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू, तो टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू दाहिने तरफ है वो भी किसमें माइनस में है, तो इसको बाई तरफ पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, अर्थात टेन ए बाई टू इंटू क्या हो जाएगा टेन बी बाई टू प्लस में हो गया। फिर उसके बाद हमें प्रूव्ड करना है प्लस, तो प्लस लिखिए, अब टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू, तो टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू दिख रहा है इसको लिख लीजिए, तो टेन बी बाई टू इंटू टेन सी बाई टू, फिर उसके बाद है प्लस, तो प्लस करिए, अब यहां पर टेन सी बाई टू टेन ए बाई टू, देखिए यह मिल रहा है ना, तो इसको लिख दीजिए टेन सी बाई टू इंटू टेन ए बाई टू, और बराबर में बचा क्या है, अब एक बचा है तो बराबर में आप एक लिख दीजिए, जो एक लाना था आ गया कि नहीं आ गया, आप मिला लीजिए टेन ए बाई टू टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू इंटू टेन बी बाई टू प्लस टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू प्लस प्लस है टेन सी बाई टू इंटू टेन, यहां पर देखिए टेन सी बाई टू इंटू टेन
ए बाई टू बराबर एक था तो बराबर एक ला दिया मैंने, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल से तरीके मैंने आपको सॉल्व कराया। अगर मैं इसको तोड़ मरोड़ के सॉल्व कराता ए टेन साइन पास कॉस में करके फिर लास्ट में चेंज करता काट पीट के, तब आता वो काफी लंबा होता, जो आपको हमें उम्मीद है कम समझ में आता, ठीक है। इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया और काफी सिंपल भी तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप नीचे लिख दीजिए क्या प्रूव्ड है, यानी इति सिद्धम, ठीक है। अब इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर टू का। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थ्री पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रखा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई तो सिद्ध कीजिए कि, यहां पर तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी बराबर माइनस टू साइन ए कॉस बी कॉस सी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरीके से यह भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को आपको लेना है और राइट हैंड साइड आपको प्रूव्ड करना है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाते हैं, ठीक है। तो यहां पर दिया है कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो एक फार्मूला आपको याद होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर होता क्या है। चलिए नहीं याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूं, होता क्या है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। यदि आपको नहीं है याद फार्मूला तो बगल में आप लिखते भी चला करिए। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह पर कॉस ए प्लस बी, सेम पहले के जैसा सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अगर आपको याद मतलब आपको ये आता है क्वेश्चन सॉल्व करना, आप पहले को देखे हैं पहले को समझ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को अपने से लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन को आप वीडियो में मत वाच किया करिए, ज्यादा समय गंवाने से कोई मतलब है नहीं। आपको अगर समझ में आ जा रहा है तो अपने से ट्राई करो क्वेश्चन को, ठीक है। वहां पे क्या होता है एक्सपीरियंस बढ़ता है कि मुझसे क्या गलती हो रही, मैं कहां पे क्या गलती कर रहा हूं जिससे मैं क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। ये आपको खुद पता चलता चला जाएगा और आपको अपनी कमी महसूस हो जाएगी। जब अपने आपको कमी महसूस हो जाएगी मेरे अंदर क्या कमी हो रही, मुझसे क्या कमी हो रही है कि जो मैं क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा हूं, अगले बार आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ यही कमी हो रही है, अब इस कमी को सुधारना है। तो वो कमी आपका धीरे धीरे सुधर जाएगा और आप त्रिकोणमिति एकदम आसान से शब्दों में यानी कह सकते हैं चंद समय में आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया है। अब कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए प्लस बी को अब चेंज करिए क्योंकि हमें माइनस प्रूव्ड करना है। तो ए यहां पर ध्यान दीजिए दिया क्या है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना पाई, पाई बोलिए तो 180 अंश बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि हमें निकालना है यहाँ पे a प्लस बी, क्योंकि हमें a प्लस बी को चेंज करना है, यहाँ पे माइनस बी दिया है। तो a प्लस बी को चेंज करने के लिए हम c को पंचांतर करेंगे, अर्थात a प्लस बी बराबर पाई माइनस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos a प्लस बी की जगह पर पाई माइनस सी, तो आप कर दीजिए पाई माइनस सी, फिर इंटू क्या cos a माइनस बी माइनस cos स्क्वायर सी। अब देखिए cos a पाई मतलब 180 अंश, 80 के मतलब थीटा, अर्थात हम यहाँ पर देखें तो cos 180 अंश माइनस थीटा, पाई को हम देखिए 180 को पाई बोलिए या तो 180 अंश बोलिए या तो पाई बोलिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। तो आप अगर देखें तो cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर अब चेंज क्या होगा, सिर्फ लगेगा माइनस cos थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा सी, फिर इंटू क्या हो यहाँ पे cos a माइनस बी फिर माइनस cos स्क्वायर सी। अब देखा जाए माइनस cos c यहाँ पर कॉमन दिख रहा है तो माइनस cos c को आप यहाँ पे कर लीजिए कॉमन, बचेगा ब्रैकेट के अंदर cos a माइनस बी फिर माइनस तो यहाँ पे कॉमन हो चुका है, बचेगा यहाँ पे प्लस क्या cos c, स्क्वायर था लेकिन cos c क्यों लिखा गया क्योंकि एक cos c तो बाहर हो गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों cos c प्लस cos d के रूप में तभी बनेगा जब यहां से हम क्या करेंगे c को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम आपको याद दिलाऊं यहां पर दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, अगर मैं c बराबर निकाल लूंगा तो a प्लस बी को पंचांतर करूंगा तो क्या निकलेगा पाई माइनस ए प्लस बी, अर्थात हम जहां पे सी है उसको हम ए बी के रूप में चेंज करेंगे तो वो आप क्या प्राप्त होगा पाई माइनस ए प्लस बी। तो कॉस क्या हो जाएगा ए माइनस बी प्लस कॉस सी की जगह पर आप लिखोगे क्या दोस्तों पाई माइनस
ए प्लस बी, ब्रैकेट को करेंगे आप बंद, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या लिखोगे, कॉस सी, ब्रैकेट करिए बंद, यहां पर क्या लिखोगे आप, कॉस ए माइनस बी, ठीक है, फिर प्लस, अब देखेंगे कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखोगे, ए प्लस बी, ठीक है। चलिए अब यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया है। अब ये बन गया कॉस सी और कॉस डी, अब देखेंगे ये ए माइनस बी सी हो गया और ए प्लस बी क्या हो गया, डी हो गया। तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर फार्मूला होता है टू साइन सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन क्या, डी माइनस सी बाई टू, ये अब इसका फार्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हो गया टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों प्रूव्ड क्या करना है, साइन एक बार हमें मुझे मिलाने दीजिए कि प्रूव्ड क्या करना है, प्रूव्ड करना है हमें टू साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी होगा, तभी सोच रहे हैं यहां पे साइन बन रहा है, यहां पे कॉस कहां से आ गया, तो यहां पर रहेगा साइन बी, ठीक है। इसको आप लिखिए क्या यहां पे, साइन बी, ठीक है। तो टू साइन ए साइन बी और माइनस कॉस स्क्वायर सी यहां पे था, तो यहां पे प्रूव्ड करना होगा, ठीक है। चलिए अब प्रूव्ड हो जाएगा आसान से, क्योंकि यहां पर लिखने में मुझसे गलती हुई थी, इसके लिए सॉरी। अब क्या करोगे, माइनस कॉस सी, अब ये कॉस सी माइनस कॉस डी के रूप में बन गया, तो आप लिखोगे टू साइन क्या सी प्लस डी, तो सी की जगह पर ए माइनस बी, फिर प्लस डी की जगह पर ए प्लस बी और बाई में टू, फिर इनटू आप करोगे साइन क्या डी माइनस सी, तो डी की जगह पर ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस, यहां पहले से था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और बाई में क्या टू, ब्रैकेट करिएगा यहां पर बंद, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या करोगे, माइनस कॉस सी को ज्यों का त्यों रहने दो, यहां पे टू साइन, अब देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है, बी से बी कैंसिल, ए ए कितना हो जाएगा, टू ए बाई टू, ठीक है, और फिर इन टू साइन, यहां पर ए से ए कैंसिल होगा तो बी बी कितना हो जाएगा, टू बी बाई टू, ठीक है। अब देखा जाए टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, चलिए आगे लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक तो आपको समझ में अच्छे से आ गया है, जब समझ में आ गया तो आगे भी सॉल्व कर लो, कुछ बचा नहीं, सिर्फ कूड़ा करना है, ठीक है। चलिए यहां पर अब हम लिखते हैं माइनस कॉस सी, तो बाहर में माइनस कॉस सी है तो अब माइनस कॉस सी लिखिए, ब्रैकेट में बच रहा है टू साइन, ठीक है, क्या बच रहा है, टू साइन ए, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं टू साइन ए इंटू साइन बी, तो यहां पर हम लिखेंगे साइन बी, अब इसी का गुणा कर लेंगे, तो यहां पहले माइनस है तो माइनस टू, जब आपको पता है कि अचर संख्या जो होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है गुणा में, तो माइनस टू, अब बचेगा क्या, हम साइन ए सीरियल से लिख लीजिए, साइन बी उसके बाद क्या कॉस सी, तो साइन ए माइनस टू साइन ए साइन बी कॉस सी, ये प्रूव्ड करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे क्या आ गया, राइट हैंड साइड आपका प्रूव्ड हो गया, अर्थात हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये दोनों क्या हैं, प्रूव्ड हैं, आपस में सिद्ध हुए, ठीक है दोस्तों, आपस में बराबर आए, अर्थात ये दूसरे से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोल रखा है और किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले बोला है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई टू, तो सिद्ध कीजिए कि टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए प्लस टेन ए टेन बी बराबर वन। अभी आपने जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व किया था, उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फोर भी सॉल्व किया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो चलिए मैं आपका इसको सॉल्व करा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर क्या हल दिया, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई टू, इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, सी को उस तरफ पंचांतर कर देते हैं, तो ए प्लस बी बराबर निकलेगा पाई बाई टू माइनस क्या सी, क्योंकि यहां पे बाई टू में अब नहीं प्रूव्ड करना, इसलिए हम यहां पे टू से भाग नहीं देंगे। अब क्या करना है, दोनों पक्षों में हमें टेन ले लेना है, ठीक है, टेन
लेने पर, सेम दूसरे के जैसा सॉल्व होगा, उसमें b by 2, c by 2, c by 2, a by 2, b by 2 के रूप में था, लेकिन यहां पे by 2 नहीं रहेगा, नहीं बट्टे में 2 नहीं रहेगा। जब बट्टे में 2 नहीं रहेगा तो अर्थात हम भाग भी नहीं देंगे, सिर्फ डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। tan इधर क्या हो जाएगा, a plus b, फिर बराबर क्या हो जाएगा, tan pi by 2 यानी 90 अंश माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, सी है तो सी। अब आप ध्यान दीजिए, टैन ए प्लस बी के रूप में बन गया। फार्मूला आपको याद ही होगा कि टैन ए प्लस बी बराबर होता है टैन ए प्लस टैन बी अपान वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है। अब आगे देखा जाए बराबर में तो टैन पाई बाई टू माइनस सी यानी टैन नब्बे अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, तो थीटा की जगह पर सी है तो हम क्या लिख देंगे, सी। अब सी यहां पे देखिए कोई भी सी टैन कॉट में नहीं है, किसमें है, टैन में, तो आपको एक फार्मूला याद होगा कॉट थीटा बराबर वन अपान टैन थीटा। टैन को कॉट को हम टैन के रूप में करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, व्युत्क्रम में करते हैं, ठीक है। अर्थात हम लिखेंगे टैन ए प्लस टैन बी बाई वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी बराबर कॉट को क्या लिख सकते हैं, वन अपान टैन सी, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए जब आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया है तो ज्यादा कुछ करिए मत, अब तो सॉल्व हो ही गया है, इसका कर दीजिए गुणा। टैन सी का पहले आप टैन ए में करेंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा, टैन ए इंटू टैन सी, उसके बाद टैन सी का टैन बी में करिए, तो प्लस है तो आप लिखिए टैन बी, ठीक है, इंटू टैन सी, ठीक है, बराबर में। अब इसका एक में गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों वही आएगा, वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका हम एक, इसका गुणा हम एक में करेंगे तो वही आएगा। अब क्या करोगे, ध्यान दो, टैन ए टैन सी, पहले इसमें हमें प्रूव करना है टैन बी टैन सी, तो ये टैन बी टैन सी को आप पहले लिख दीजिए, तो लिखिए टैन बी इंटू टैन सी, ठीक है, फिर प्लस उसके बाद टैन सी टैन ए, तो टैन सी टैन ए यहाँ पे दिया है तो इसको आप लिख दीजिए टैन सी इंटू टैन ए, ठीक है। अब उधर माइनस में इसको इस तरह पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, अर्थात टैन ए इंटू टैन बी आ गया बाई तरफ, और दाहिने तरफ सिर्फ बच रहा है आपका एक, और यही आपको प्रूव्ड करना था, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख दीजिए अब क्या, प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों, सिद्ध हो गया आपका, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का, अब 4 का, अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बराबर टू साइन ए साइन बी कॉस सी। तो हम इसको ऐसा काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपका है सेम पहले तीसरे के जैसा है, तो उसी तरीके से यह भी सॉल्व किया जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर खड़ी हो रही है, वो क्या खड़ी हो रही, ध्यान दीजिए, अभी इसके पहले हमारा फार्मूला आता था, इसके पहले क्वेश्चन आए थे उसको इस रूप में आए थे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो उसको मैंने लिख दिया था क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के रूप में लिख दिया था। लेकिन 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 यहां पर प्लस दिया है, तो जब प्लस दे दिया है तो फार्मूला इस पर कोई बन नहीं रहा है, इसके पहले वाले क्वेश्चनों में माइनस दिया था तो आसानी से फार्मूले में बैठ जाता था और हम सॉल्व कर लेते थे, लेकिन यहां पर प्लस बन रहा है, तो प्लस बन रहा है तो टेंशन खड़ा कर रहा है, टेंशन को दूर करने के लिए चले मेरे दिमाग में एक फार्मूला और याद आता है, मैं आपको वो बता देता हूं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वन होता है, ठीक है। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा यहां से, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, उधर पंचांतर करेंगे, तो वन माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात जहां पर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहां पर थीटा न देकर क्या दिया है, ए दिया है, तो अर्थात जहां पर साइन स्क्वायर ए है वहां पर हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए वही प्रक्रिया हम यहां पर कर देते हैं, और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी,
फिर माइनस साइन स्क्वायर सी है तो आप यहां पे साइन स्क्वायर सी लिख दीजिए। ऐसा काम करते हैं, इन दोनों में से माइनस को कॉमन करते हैं। क्यों माइनस को कॉमन करोगे? क्योंकि हमें बनाना है फार्मूले के रूप में। जब तक फार्मूले के रूप में नहीं बैठेगा तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा काम करते हैं, यहां से जब हम माइनस को कॉमन करेंगे तो लग जाएगा कोष्टक, और कोष्टक लगने का मतलब अब ये माइनस में था ना, अब ये किस में हो जाएगा? प्लस में। और ये प्लस में था तो किस में हो जाएगा? माइनस में, ठीक है। क्यों माइनस में? क्योंकि दोस्तों जब माइनस कॉमन होता है ना तो पूरा स्थान बदल देता है। जहां पे प्लस रहता है वहां पे माइनस हो जाता है, और जहां पे माइनस रहता है वहां पे प्लस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करोगे, ध्यान दो, यहां पे वन है तो वन लिखो। अब ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो यहां पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर, फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिए, फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। यही फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, अर्थात ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कर दीजिए। बाहर क्या है? माइनस साइन स्क्वायर सी, तो माइनस साइन स्क्वायर सी को आप ज्यों का त्यों लिख दो, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है ध्यान दीजिए, वन क्या है? माइनस है, वन माइनस लिखिए। अब यहां पर ए प्लस बी है, और यहां पर दिया है क्या? ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। अगर ए प्लस बी बराबर निकालेंगे तो सी को उस तरह पंचांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर पाई माइनस सी, तो यहां पर लिखेंगे हम पाई माइनस सी। अब फिर इंटू क्या हो रहा है? कॉस ए माइनस बी, और ब्रैकेट करिए बंद। अब हम यहां पे साइन स्क्वायर सी, अगर साइन स्क्वायर ए था, अगर साइन स्क्वायर सी कर दें तो यहां पे वन माइनस कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा, अर्थात ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर सी। ब्रैकेट क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसके पहले माइनस है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, वन माइनस अगर हम यहां देखें तो कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा की जगह पर सी। फिर इंटू कॉस क्या है? ए माइनस बी, ब्रैकेट करिए बंद, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, माइनस वन से प्लस वन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस का अंदर हम गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? कॉस ए माइनस बी, और फिर बगल में क्या है? प्लस कॉस स्क्वायर सी। अब यहां पे कॉस सी कॉमन दिख रहा है, कॉस सी को आप कर लीजिए कॉमन। कॉस सी को जब हम कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस क्या? एक सी बचेगा, एक सी बाहर हो गया। अब सी की जगह पर अगर हम यहां से सी निकालें तो ए प्लस बी को पंचांतर करेंगे तो पाई माइनस क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा, जैसे पहले आप क्वेश्चनों में करते चले आ रहे हो, ठीक है, शुरू से ही। तो क्या हो जाएगा यहां पे? कॉस ए माइनस बी, और फिर प्लस कॉस सी की जगह पर पाई माइनस, यहां पे क्या लिखोगे? पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है। ब्रैकेट कर दो बंद, यहां पे मझले ब्रैकेट को साथ में लगाकर तब बंद करिएगा, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया इतना। अब करना क्या है, यहां पर है कॉस सी तो कॉस सी लिखो, कॉस ए माइनस बी है तो आप कॉस ए माइनस बी को ज्यों का त्यों लिखो, ठीक है। अब कॉस 180 अंश माइनस थीटा, पाई का मतलब 180 अंश, तो कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, तो थीटा की जगह पर हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। अब ये बन गया कॉस सी माइनस कॉस डी, तो चलिए हम फार्मूला अब यहां पर आपको दिलाते हैं याद, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये फार्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो चलिए हम यहां अब ऊपर लिखते हैं, क्योंकि यहां तक तो सॉल्व हो ही चुका है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। तो करना क्या है अब, चलिए ध्यान दीजिए, कॉस सी जो बाहर है उसको आप ऐसे लिखो कॉस सी, ब्रैकेट के अंदर आपको दिखेगा कॉस सी माइनस कॉस डी के रूप में। तो जब इसके रूप में दिखेगा तो हम इस रूप में चेंज कर सकते हैं क्या? 2 साइन सी, सी की मतलब ए माइनस बी, तो ए माइनस बी प्लस डी का मतलब ए प्लस बी, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे ए प्लस, अब बी अब पूरे बट्टे में दो हो जाएगा। फिर इंटू, फिर क्या होता है दोस्तों यहां फार्मूले में? साइन,
तो साइन लिखेंगे, साइन के बाद डी, डी का मतलब ए प्लस बी, तो आप लिखिए ए प्लस बी, फिर माइनस होगा और इस माइनस का ए माइनस बी में गुणा होगा, तो ए हो जाएगा माइनस बी था तो प्लस बी हो जाएगा, और बाई में टू ब्रैकेट कर दीजिएगा बंद, ठीक है। अब यहां पे हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस सी, बाहर जो है ऐसे रहने दीजिए, टू साइन है तो टू साइन रहने दीजिए, यहां से बी कैंसिल, ए ए कितना हो जाएगा टू ए बाई टू, फिर इन टू यहां पर साइन ऐसे ही रहेगा, अब ए से ए कैंसिल होगा, बी बी जुड़ का कितना हो जाएगा टू बी बाई कितना हो जाएगा टू, टू से टू, टू से टू यहां पर कैंसिल हो जाएगा, अब बच रहा है कॉस सी ब्रैकेट के अंदर टू साइन ए फिर इन टू साइन बी, ठीक है, क्योंकि टू से टू, टू से टू कैंसिल हो चुका है। अब इसी का आप अंदर कर दो गुणा, तो टू पहले लिखोगे साइन ए फिर साइन बी, ठीक है, फिर क्या हो रहा है कॉस सी, यही हमें प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड आपका हो चुका है, ठीक है, अर्थात राइट हैंड साइड आ चुका है। तो आप यहां पे लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। आप ले लीजिए इसका स्क्रीन शॉट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है दोस्तों, और दोस्तों वीडियो काफी हो चुका है लंबा, तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है मैथ का, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और दोस्तों घर बैठे फ्री में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।